हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्राउन ब्रेड सैंडविच, जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। खासकर बच्चों को तो सैंडविच खाना बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप भी झटपट ये सैंडविच बनाकर बच्चों को दे सकते हैं और ये काफ़ी हेल्दी भी रहेगी। तो चलिए ये हेल्दी और टेस्टी सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करेंगे, तो इसके लिए एक पैन गरम कर लेते हैं और पैन के गरम होते ही इसके अंदर डालेंगे तेल। अब तेल को गर्म होने देते हैं। जैसे ही तेल गर्म होता है, इसके अंदर एक छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। अब जीरे को हम थोड़ा ब्राउन होने देते हैं। जीरे के पकते ही हम इसके अंदर एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और प्याज को 1-1.5 मिनट के लिए थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेते हैं। जैसे ही प्याज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है, हम इसके अंदर डालेंगे एक मीडियम साइज की बारीक कटी हुई हरी मिर्च, या आप हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। एक छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब सभी चीज़ों को पका लेते हैं एक बार फिर से। अब जैसे ही प्याज के साथ हरी मिर्च और अदरक लहसुन भी पक जाता है, हम इसके अंदर डालेंगे 1/3 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर। तो हल्दी के पाउडर को भी पका लेते हैं। तो हल्दी पाउडर हम अभी डाल देंगे ताकि अच्छे से पक जाए और इसमें कच्चापन ना रहे। हल्दी पाउडर के पकने के बाद इसके अंदर 3 मीडियम साइज के मैश किए हुए आलू डालेंगे। तो आलू को मैंने उबाल लिया है और इन्हें मोटा मोटा ही मैश कर लिया है। अब इसे फैला देते हैं थोड़ा और इसके अंदर डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। रेड चिली फ्लेक्स की जगह आप इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, तो इससे सारे फ्लेवर्स हैं वो बहुत ही अच्छे आएंगे। बाकी एक्स्ट्रा मसाले डालने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खट्टेपन के लिए इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच अमचूर का पाउडर, या फिर आप चाट मसाला या नींबू के जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालेंगे। थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालकर इसे अच्छे से मिक्स और मैश करेंगे, क्योंकि आलू के बड़े टुकड़े नहीं रहने चाहिए, क्योंकि जब हम स्टफिंग करेंगे तो आलू के बड़े टुकड़ों की वजह से ब्रेड है वो फट सकती है। तो इसे अच्छे से पका भी लेना है और इस तरह स्पैचुला से मैश भी करते रहना है। तो अब आप देख सकते हैं आलू के बड़े टुकड़े नहीं हैं और स्टफिंग भी अच्छे से पक चुकी है। तो इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। स्टफिंग तो हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम ले लेते हैं ब्रेड की स्लाइसेस। तो मैंने यहाँ पर वाइट ब्रेड की बजाय ये ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल किया है, जो बहुत ही हेल्दी होती है। तो आप भी वाइट ब्रेड की जगह अपनी रूटीन के अंदर ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें। अब एक ब्रेड की स्लाइस लेते हैं और इसके ऊपर लगा लेते हैं हरी चटनी। और अब दूसरी ब्रेड की स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे मीठी चटनी, या फिर आप टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो चटनी अवेलेबल नहीं हो तो बिना चटनी के भी इसे बना सकते हैं। तो दोनों स्लाइसेस पर हमने अलग अलग चटनी लगा ली है। अब हम स्टफिंग ले लेते हैं और इस तरह अच्छे से इस पर स्टफिंग डाल लेते हैं। स्टफिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये एक स्लाइस पर हमने स्टफिंग लगा ली है और दूसरी स्लाइस हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। स्टफिंग के अलावा आप इसके ऊपर रख सकते हैं खीरा, प्याज, टमाटर, गाजर, इस तरह की सब्जियां भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो कच्ची सब्जियों का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा इन सैंडविच में। तो ये एक सैंडविच हमने इस तरह बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे पका लेते हैं। पकाने के लिए मैंने तवा गर्म कर लिया है। तवे पर हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे। तवे को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेते हैं और जो ब्रेड हमने रखी है उसके ऊपर भी हम बटर लगा लेते हैं। तो जिस साइड पे हमने बटर लगा लिया है ब्रेड के ऊपर, उस साइड को हम ऊपर रखेंगे, और जिस साइड पे हमने बटर नहीं लगाया है उस साइड को हम तवे पर रखेंगे, क्योंकि तवे पर ऑलरेडी हमने बटर लगा चुका है। आप इस सैंडविच को और भी हेल्दी बनाने के लिए बिना बटर के भी इस सैंडविच को पका सकते हैं। तो अब ये स्लाइसेस हम इस तवे पर रख देते हैं। तो इसी तरह का एक बैच मैंने और तैयार कर लिया है, इसे भी साथ में ही रख देते हैं। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे एक दो बार पलटते हुए अच्छे से पका लेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो अब इसे पलट लेते हैं। तो नीचे से ये देखिए इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। तो अब ऊपर की साइड भी हम थोड़ा थोड़ा बटर लगा लेते हैं।
तो बटर लगाने से ये काफ़ी टेस्टी भी हो जाएगी और बहुत ही क्रिस्पी भी हो जाएगी ऊपर से। यदि आपके पास सैंडविच मेकर है तो आप इजीली इसे सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं। मैं आपको इसे तवे पर बना के दिखा रही हूँ ताकि हर कोई इसे आसानी से बना सके। थोड़ा सा बीच बीच में इसे प्रेस कर देंगे। अब एक बार फिर से इसे पलट लेते हैं तो ये देखिए नीचे से कितना बढ़िया कलर आया है इसका। ये ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं हुई है और बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी भी हो गई है। तो एक बार फिर से प्रेस करते हुए हम इसे थोड़ी देर के लिए नीचे से भी पका लेते हैं। थोड़ी देर बाद हम नीचे से भी इसे चेक कर लेते हैं तो ये नीचे से भी काफ़ी अच्छे से पक चुकी है और बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। तो अब इस गर्मा गर्म सैंडविच को हम निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर। तो इस तरह एक बैच मैंने और तैयार किया है, उसे भी इसी तरह पका लेते हैं। तो तवे के ऊपर पहले थोड़ा सा बटर लगा दें, फिर ये सैंडविच बनाकर इसके ऊपर रख दें और अलटते पलटते हुए इसे भी पका लेते हैं। तो ये दूसरी सैंडविच भी हमारी तैयार हो गई है। अब इस सैंडविच को हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही यम्मी लगती है ये खाने में। चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है इस सैंडविच के अंदर। तो अब हम इसे किसी भी टोमेटो केचप या फिर चटनी के साथ सर्व कर लेते हैं। तो ये हमारी बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी, साथ ही बहुत ही आसानी से बनने वाली सैंडविच बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, कैसे लगी आज की ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो आप भी एक बार जरूर ट्राई करके देखें। यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक जरूर करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।